हेलर यूनियन, हेलर यूनियन। यूं तो हमारे मुल्क में पाकिस्तान फैक्ट्रियों और बाजारों मार्केटों में काम कर रहे हैं। इस मजदूरों का एक अहम तबका टैक्सी ड्राइवर का भी है, जो दिन रात हमारी खिदमत में कोशा है। आज डिस्ट्रिक्ट थंडोलियार में ड्राइवरों ने अपने हकूक के लिए एहतजाज किया, जिनमें शिरकत किए यूनियन के ड्राइवर यूनियन के सदर मोहम्मद रियाज भाई ने और तमाम ड्राइवर यूनियन कमेटी ने और तमाम ड्राइवर हजरात ने। आइए हम पूछते हैं रियाज भाई से कि इनके क्या मसाइल हैं, और दो मरतबा एहतजाज पहले भी हुआ है। आइए पूछते हैं रियाज भाई से कि इंतजामिया ने इनसे रब्ता किया कि नहीं किया अभी तक। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई। दो मरतबा पहले इंतजाज कर चुके हैं, लिस्टें बना के डिप्टी कमिश्नर साहब को दे चुके हैं, बार बार इसरार भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई मदद नहीं की। हम दो माह से बेरोजगार हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी गाड़ियां बंद हैं। हम प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर मजदूर यूनियन तंजीम हमारी रजिस्टर है और हमने लिस्टिंग फ्राहम कर दी है। लिहाजा हमारी गुजारिश है कि जिस तरह पंजाब इंतजामिया ने, पंजाब हुकूमत ने इजाज़त दी है ट्रांसपोर्टरों को, हमें भी सिंध में भी इजाज़त दी जाए, ताकि हम अपना, जब हमारी हुकूमत मदद नहीं कर सकती तो हम अपनी मदद आपके तहत अपना रोज़गार करके हम अपना काम करके जो है अपना जब चला सकें। हम किसी के मोहताज नहीं है, हुकूमत ने हमें मोहताज बनाया। रियाज भाई, क्या 3 दिन लॉकडाउन हुकूमत की तरफ से 3 दिन के लिए लॉकडाउन रखा है, बाकी जो 4 दिन बचते हैं आपको, इसमें आपको पुलिस इंतजामिया कोई तंग करती है या उसमें आप लोग फ्री हैंड हैं? बिल्कुल, पुलिस हमें तंग करती है। इंतजामिया जो है वो यानी कि हमारे ठंडा डिस्ट्रिक्ट में हमारे आई एम गाड़ी को पकड़ा और ड्राइवर को ऊपर 144 के तहत एफ आई आर की, जिसके बाद उन्होंने जमानत कराई। मुझे बहुत अफसोस हुआ, एसपी साहब ने खुद उनको पकड़ा, लेकिन जो है उसके अलावा भी पूरा शहर चल रहा है, पूरी गाड़ियाँ चल रही हैं। एसपी साहब एक ख़ानदानी आदमी है, बहुत माशाल्लाह अच्छे तबीयत का मालिक है, लेकिन पता नहीं क्यों कि किसी आदमी को फर्द रवायत को पकड़ना या उसको, और कुछ मुझे ये भी शिकायत मिली है कि पुलिस वाले दुकानदारों को और लोगों को पकड़ के ले जाते हैं और हज़ार हज़ार दो दो हज़ार रुपये लेके छोड़ते हैं। तो एस एच ओ मदर मेहदी, एस एस पी उस्ताद रहमान खावर साहब से मेरी गुजारिश है, एस एस पी साहब इसका एक्शन लेते हुए ऐसे अफसरों को, ऐसे पुलिस वालों को उनको जो है बिल्कुल इस ड्यूटी से फारिग करें। क्यों ऐसे आवाम को तंग किया जा रहा है? एक तो रोज़गार नहीं है, दूसरा जो है पुलिस आवाम से भत्ता वसूल करे, ये तो अच्छी बात नहीं है। ये थे हमारे रियाज भाई, जो कि टंडोलिया डिस्ट्रिक्ट के यूनियन ड्राइवर यूनियन के सदर हैं। इन्होंने जैसा कि बताया कि आला हुकाम ने कोरोना वायरस की इस तमाम अरसे में इन लोगों से कोई कॉपरेट नहीं किया, ये इनका तीसरा एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है। पहले एहतजाज में भी कोई रब्ता नहीं किया किसी ने, दूसरे में भी कोई रब्ता नहीं किया। अच्छा रियाज भाई, जो समाजी कारकुनों ने, समाजी तनजीमों ने जो अपने आप अपनी मदद आपके तहत लोगों की मदद की है, क्या यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर के अड्डे पर आकर उन्होंने कोई राशन वगैरह या कोई कैश जो 12,000 मिले हैं वो आप सब ड्राइवरों को मिले हैं, कोई राशन मिला है गवर्नमेंट की तरफ से या समाजी तंजीमों की तरफ से, या वो भी आप लोगों को नहीं मिला? जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमें गवर्नमेंट सिंध और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया टंडोलियार की तरफ से कोई मदद नहीं की गई, और 12,000 रुपये एहसास प्रोग्राम कह लो या इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कह लो, उसके तहत हमारे तकरीबन कोई 240 में से 20 ड्राइवरों को ये पे मैसेज आए हैं और उन्हें 12,000 रुपये मिले हैं, 240 में से 20 ड्राइवरों को। और समाजी तंजीमें जो टंडोलियार की हैं उनको मेरा सलाम है, दोनों हाथों से टंडोलियार की समाजी तंजीमों को मेरा सलाम है। उन्होंने हमारी मदद भी की है और राशन की मदद उन्होंने हमारी भरपूर मदद की है। आपको पता है कि राशन के अंदर 10-12 दिन का राशन होता है, ये हफ्ते का राशन होता है एक हफ्ते का, तो एक एक दफ़ा हमें समाजी तंजीमों की तरफ से राशन मिल चुका है। भाईजान, ये 3.5 महीने से तकरीबन लॉकडाउन चल रहा है, तो उसके लिए हम सारे घर बैठे हुए हैं। अभी तो ये हालात हैं कि हमारे चूल्हे भी ठंडे पड़ गए हैं, कि उसके लिए हम कहते हैं कि हमारी माली मदद की जाए। जैसे कुछ ड्राइवर हैं इन मसले मसाइल की वजह से, हमारे ड्राइवर हैं गुलाम सिंह भाई जो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं, और एक दो ड्राइवर हैं जिससे एक ड्राइवर की तो नज़र चली गई हुई है। काफ़ी मसले मसाइल हैं ड्राइवरों में, वो बेचारे बहुत परेशान हैं, कि सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी मदद करें, मदद के लिए आगे आए। बस हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे कि पंजाब में भी लॉकडाउन में कुछ नरमी है, हमारे लिए भी कुछ ऐसा हो जाए कि हम भी गाड़ियां रोड पे निकालें, अपने बच्चों के लिए रोज़गार करें।
बस यही कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को ऐसा हो जाए। नाज़रीन आपने सुना कि यहाँ पर दो तीन ड्राइवर ऐसे हैं जिनकी माली हालत तो वैसे ही कंडीशन ख़राब है कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, लेकिन बीमारियों ने भी उनको घेरा हुआ है। एक ड्राइवर है जिनका ज़हनी तवाज़न ख़राब हो गया है, एक जो ड्राइवर है जिनकी आँखों का बड़ा मसला है, उनको आँखें ख़राब हो गई हैं, आँखों से नज़र नहीं आता है। तो हम ये चाहते हैं कि राशन तो बाद में, पहले जिनके घर में जो कमाने वाला था, दिहाड़ीदार मजदूर हैं ये लोग, रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, अगर वही इंसान अगर बीमारी में मुब्तला हो गया तो उनके बीवी बच्चों को कौन संभालेगा। तो खुदारा आला हुकाम से मेरी अपील है कि यहाँ टैक्सी अड्डे पर आएँ, ड्राइवरों के बड़े मसाइल हैं, ड्राइवर हजरात बहुत परेशान हैं, उनके लिए जो हो सकता है गवर्नमेंट से करें। ताकि मुगल कारनामा न्यूज़ टंडोलिया।